लातूम, आज आपके लिए एकदम गर्म मामला लेके आए हैं डार्क फैंटेसी एडवेंचर और साइंस फिक्शन एनिमे फायर फोर्स। ये शब्द सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो आग बुझाने वाले फायरमैन है, तो बिल्कुल हाँ आप करेक्ट हो, बट ये आग बुझाने के साथ साथ आग लगाने वाले को भी बुझा देते हैं। आप बोलोगे कैसे, बताते हैं सब, आगे तक देखिए वीडियो। मैंने भी ये 10-15 दिन पहले ही देखा, बहुत सारी पोस्ट और एडिट्स देखी इंस्टाग्राम पर, तो सोचा देख ही लेना चाहिए। 2 सीजन आ चुके हैं बट मैंने भी एक ही देखा है और मुझे सही लगा। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी ना इसमें वो थी भाई इसका साउंड। जब वो फायर को शूट करते हैं ना तो कुछ अलग सा ही फील होता है। और एनिमेशन की बात करूँ तो डेविड प्रोडक्शन स्टूडियो ने बहुत बढ़िया काम करा है, आधी जान तो इस एनिमे के एनिमेशन में है। ऐसा भी नहीं है ये कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा है, एनिमे नहीं होते जो पहले ही सीजन से हाइप बनाए थे फैंस में, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, लेटेस्ट अभी जुजुत्सु काइसन। जिन्होंने ये देखे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। आए की सीजन के बारे में मैं नहीं कह सकता बट हाँ फन एनिमे बिल्कुल देखना चाहिए। एक्शन और फाइट्स भी बहुत तगड़ी हैं, स्टोरी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप आराम से समझ लोगे। ओवरऑल मैं कहूँगा इट इज़ गुड एंड डिसेंट एनिमे। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते तो कॉन्सेप्ट तो यूनिक ही है। इनके वर्ल्ड में हम जैसे ही इंसान दिखने में है बट कुछ पर्सन्स के पास फायर पावर्स है जिससे वो अपने हाथों से फायर प्रोड्यूस करके शूट कर सकते हैं और फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इनके वर्ल्ड में कॉज ऑफ डेथ बहुत अजीब से होती है, कोई भी बंदा कभी भी ओवरहीट होके इन्फर्नल में चेंज हो जाता है जिसमें उसकी बॉडी पूरी तरह जल जाती है और अपने आप होता है, कोई भी कभी भी मर सकता है इनके वर्ल्ड में, और ये इंसान भी नहीं बन सकते दोबारा। और जब ये भयानक से बन जाते हैं तो अब ये अच्छे आदमी तो नहीं रहे, तो इधर उधर आग वाग लगाएंगे, सिविलियंस को उड़ाएंगे। तो इनको रोकने के लिए फायर फोर्स कंपनी बनाई है जिसमें बढ़िया से सूट वूट पहन के हथियार लेके आ जाते हैं और इन्फर्नल्स को मार के उनको रेस्ट इन पीस कर देते हैं। और एक सिस्टर भी होती है इनके ग्रुप में जो इन्फर्नल को मारते समय इनकी शांति के लिए प्रेयर करती है, कैप्टन ओबी, जो कि फायर फोर्स कंपनी 8 का कैप्टन है और मुझे सबसे तगड़ा कैरेक्टर यही लगा। और ये एक ही कैप्टन है जिसपे कोई सुपर पावर नहीं है बट इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। इसका कैरेक्टर फनी भी है और जोशीला भी। और एक और बात, इसका वॉइस एक्टर और वन पीस के रोनोरुआ जोरो का वॉइस एक्टर सेम है, काजुया नकाई। शिनरा मेन कैरेक्टर फर्स्ट एपिसोड में बस दाखिले लेने आया होता है फायर फोर्स में, इसके पास यूनिक पावर है जिसे अदोला बस्ट कहते हैं, बट वो आगे पता चलेगा, नो स्पॉयलर। इसका पास्ट भी दिखाया है जिसमें इसके घर में आग लग जाती है और उसमें इसकी मम्मी और छोटा भाई मर जाते हैं। और इसमें एक अजीब बात है, इसकी डीमन स्माइल। आर्थर, जो कि अपने आप को नाइट बोलता है और शिनरा के बाद ये भी न्यू मेंबर है फायर फोर्स कंपनी 8 का, और इसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और ये अपनी स्वॉर्ड एक्स कालिबर के साथ लड़ता है। अभी तक इससे वेल डिजर्विंग और फेयर फाइट्स दी गई हैं और मुझे बिलीव है जितनी आगे स्टोरी जाएगी इसका कैरेक्टर और भी बेहतर होता जाएगा। द लेफ्टिनेंट ऑफ फायर फोर्स कंपनी 8 लेफ्टिनेंट हिनावा का कैरेक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट है बट मुझे बढ़िया लगा, सब कैरेक्टर डिफरेंट से होंगे तभी तो मज़ा आएगा। और इसके पास भी सुपर पावर है जिससे ये फायर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। माकी, गाली नहीं दे रहा हूँ, नाम है उसका, फर्स्ट क्लास सोल्जर ऑफ फायर फोर्स कंपनी 8। इसका कैरेक्टर नारियल की तरह है, बाहर से टफ अंदर से नर्म, फिजिकल एबिलिटी एंड कॉम्बैट में इसका कोई जवाब नहीं। इसकी पावर क्लास 2nd जनरेशन प्रो काइनेटिक है। इसके बारे में एक ही बात जान लो, इसको कभी गोरिल्ला मत कहना वरना भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। सिस्टर आयरिस, इसके प्रोफेशन की तरह ही इसका कैरेक्टर है, शांत सिंपल और काइंड। इसका काम तो आपको पता ही है, प्रेयर करना। इसके पास भी कोई सुपर पावर्स नहीं है बट एक बात सही नहीं लगी, इतनी जवान खूबसूरत लड़की सिस्टर है, कौन बोलेगा जी सिस्टर, इसका खुद का भाई ना बोले जी सिस्टर, हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे लिए तो ये सिर्फ आयरिस है। हाँ सीजन 1 मैंने अभी तक देखा तो मुझे तो सही लगा है, स्टोरी भी अच्छी है। इस सीज़न काफ़ी कुछ रिवील भी हुआ है, जैसे शिनरा की पास स्टोरी, इन्फर्नल अपने आप बनते हैं या कोई बनाता है, शिनरा की यूनिक पावर का राज, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स, और सीज़न 1 को एंड भी एकदम तगड़ी फाइट के साथ किया गया है।
तो मैं कहूँगा कि आप एक बार देख के देखिए, बिना देखे ओपिनियन मत दीजिए। तो आज के लिए बस करते हैं, लातूम।